MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन एक सेफ और पेनलेस टेस्ट है। यह आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज की डिटेल्ड पिक्चर्स बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और रेडियो वेव्स का यूज करता है। यह गाइड आपको यह समझने में हेल्प करेगा कि आपके MRI स्कैन से पहले, उसके दौरान और बाद में क्या एक्सपेक्ट करना है। और हाँ, MRI मशीन का डरावना आवाज भी सुनाएगा जो पेशेंट को अंदर आता है, जिससे आप इसके आदी हो जाए और डर निकल जाए। तो सबसे पहला स्टेप है ये मेक श्योर करना कि आपके पास MRI के लिए आपके डॉक्टर का ऑर्डर लेटर है। ये ऑर्डर MRI टेक्नोलॉजिस्ट को बताएगा कि आपको किस तरह के स्कैन की जरूरत है। आपके स्कैन से पहले आपको कुछ फॉर्म्स भरने को कहा जाएगा। ये फॉर्म्स आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। इसमें आपके कोई भी एलर्जीज और आपके द्वारा ली जाने वाली कोई भी मेडिकेशन शामिल है। आपको अपने MRI से पहले कुछ घंटों तक कुछ भी न खाने या पीने के लिए कहा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है अगर आप कॉन्ट्रास्ट के साथ MRI करवा रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट एक स्पेशल डाई है जो इमेजेस को क्लियर बनाने में हेल्प करता है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या आपको अपने स्कैन के लिए कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है या नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट करना है तो आपको सीरम क्रिएटिनिन नाम की ब्लड टेस्ट करवा कर जानी होगी। अपने डॉक्टर को अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में बताएं, जिसमें विटामिंस और हर्बल सप्लीमेंट्स भी शामिल है। हो सकता है कि आपके MRI से पहले कुछ दवाओं को एडजस्ट करने की आवश्यकता हो। ये ब्लड थिनर्स जैसी दवाओं के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है। अगर आपके शरीर में कोई मेटल इम्प्लांट्स हैं, जैसे कि पेसमेकर, आर्टिफिशियल जॉइंट्स या मेटल प्लेट्स, तो अपने टेक्नोलॉजिस्ट को बताएं। साथ ही अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स या प्रेगनेंसी जैसी कोई और मेडिकल कंडीशंस है तो उन्हें भी इन्फॉर्म करें। अपनी मेडिकल टीम के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट होना इम्पोर्टेंट है। आप एक कंफर्टेबल टेबल पर लेट जाएंगे, फिर ये टेबल एक बड़ी टनल शेप मशीन में चली जाएगी। आपको पहनने के लिए ईयर प्लग्स या हेडफोन्स दिए जाएंगे। ये मशीन के लाउड नॉइजेस को ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं। फिर भी आवाज आए तो बिल्कुल डरे नहीं, ये मशीन की नेचुरल आवाज है और ये मशीन सेफ होती है। और हाँ, MRI टेक्नोलॉजिस्ट आपको हर समय देख और सुन पाएगा। वे आपसे एक इंटरकॉम के जरिए बात कर पाएंगे। आपके पास एक कॉल बटन भी होगा जिसे आप कुछ भी चाहने पर दबा सकते हैं। स्कैन के दौरान याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टिल रहे। कोई भी मूवमेंट इमेजेस को ब्लर कर सकता है। स्कैन में 15 मिनट से लेकर एक घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। टेक्नोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि स्कैन में कितना समय लगने की उम्मीद है। MRI मशीन स्कैन के दौरान लाउड नॉकिंग या बैंगिंग नॉइजेस करता है। ये आवाजें नॉर्मल है और इनके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। रिलैक्स करने की कोशिश करें और स्टिल रहने पर फोकस करें। बहुत से पेशेंट्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और म्यूजिक सुनते हैं। अगर आप स्कैन के दौरान किसी भी पॉइंट पर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो टेक्नोलॉजिस्ट को बताएं। वे आपको मोर कंफर्टेबल बनाने में हेल्प कर पाएंगे। आपको अपनी पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। स्कैन के पूरा होने के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। किसी रिकवरी टाइम की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको कॉन्ट्रास्ट दिया गया था तो आपको इसे अपने सिस्टम से फ्लश आउट करने में हेल्प के लिए खूब सारे फ्लूइड्स पीने के लिए कहा जा सकता है। कुछ केसेस में आपको कॉन्ट्रास्ट से माइल्ड साइड इफेक्ट्स का अनुभव हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स आमतौर पर टेम्पररी होते हैं और इसमें हेडेक, नौजिया या डिजीनेस, ये ठंडी बजना शामिल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिवियर या परसिस्टेंट साइड इफेक्ट्स का अनुभव होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। MRI कॉन्ट्रास्ट जनरली बहुत सेफ है। हालांकि बहुत कम लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। स्कैन से पहले अपने डॉक्टर को अपने किसी भी एलर्जीज के बारे में बताना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट के बारे में कोई कंसर्न्स हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। याद रखें, MRI स्कैन एक सेफ और वैल्यूएबल टूल है जो डॉक्टर्स को कई गहरे और अनोखे मेडिकल कंडीशंस का डायग्नोज और ट्रीट करने में हेल्प करता है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप एक स्मूथ और सक्सेसफुल MRI एक्सपीरियंस इंश्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वो आवाज जो मशीन के अंदर आती है और जिसकी सब लोग बात करते हैं। ये आवाज हर मशीन की अलग हो सकती है, फिर भी आप ये कॉमन आवाज सुनकर इसके आदी हो जाइए तो आपको MRI का डर नहीं लगेगा। ये वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ईयरफोन पहनिए और लगातार इसे सुनिए।
तो अगली बार जब आपको MRI करवानी पड़े तो परेशान न हो। ये प्रक्रिया आपके लिए सुरक्षित और लाभकारी है। मेरे द्वारा साझा किए गए सुझावों को याद रखें और आप कुछ ही समय में दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। और हे, आपके पास बाद में बताने के लिए एक मजेदार कहानी भी हो सकती है। अपने अनुभवों को साझा करें और दूसरों को प्रेरित करें। आखिर हंसी ही सबसे अच्छी दवा है ना? तो मुस्कुराते रहें और जीवन का आनंद लें।